तो दोस्तों फाइनली आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक कंपैरिजन वीडियो इस रियलमी बड्स क्लासिक का इस रेडमी एयरफोन के साथ में। दोनों ही अभी जो है फिलहाल इंडिया में ही लॉन्च हुए हैं और दोनों की प्राइस जो है यहाँ पर सेम ही है जो कि है 399 रुपीज़। तो देखते हैं आज दोनों में से किसकी परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर ज़्यादा बेटर देखने के लिए मिलती है और कौन सा एयरफोन आप सभी के लिए यहाँ पर बेस्ट होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर प्लान कर रहे हो इन दोनों एयरफोन में से किसी एक को परचेज करने के लिए तो इस वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक देखना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन के भी बटन को प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों के हाइलाइट्स फीचर्स के बारे में जो कि बॉक्स के ऊपर दिए गए हैं। तो रियलमी में आपको मिल जाता है 14.2 mm लार्ज ड्राइवर, डीपर एंड रिचर बेस, म्यूजिक एंड वीडियो प्लेबैक कंट्रोल, आंसर एंड कॉल्स, HD माइक्रोफोन, बिल्ड इन केबल ऑर्गेनाइजर। वहीं रेडमी की बात करें तो रेडमी में आपको मिल जाता है हाई रेज ऑडियो, एल्यूमिनियम साउंड चेंबर और लाइट वेट। तो ये सारे जो फीचर्स हैं इनके हाइलाइट्स फीचर्स हैं जो कि बॉक्स के ऊपर मेंशन किए गए हैं। अब बात करते हैं दोनों के डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो दोनों का जो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी दी गई है प्राइस रेंज के हिसाब से वो यहाँ पर जो है काफ़ी ठीक ठाक दी गई है। आपको यहाँ पर डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी में कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा प्राइस रेंज के हिसाब से। वहीं अगर मैं बात करूँ आपसे इनके बड्स क्लासिक रियलमी बड्स क्लासिक की तो यहाँ पर आपको जो है प्लास्टिक दी गई है और रेडमी ईयरफोन में आपको यहाँ पर जो है मेटल दिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है इंप्रूवमेंट्स देखने के लिए मिलती है रियलमी बड्स क्लासिक से इस रेडमी ईयरफोन में और जो लाइफ भी होगी वो आपको जो है यहाँ पर थोड़ी बेटर देखने के लिए मिलेगी रेडमी के ईयरफोन में। वहीं इनका जो 3.5 mm हेडफोन जैक है वो आपको यहाँ पर जो है स्ट्रेट दिया गया है और जबकि रेडमी ईयरफोन में आपको जो है यहाँ पर एल शेप में दिया गया है जो कि 90 डिग्री हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है गेमिंग के टाइम पर इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग और साथ ही आपको जो है यहाँ पर इस रेडमी की ब्रांडिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। दोनों ही ईयरफोन में आपको मिल जाता है एक मिनी कंट्रोलर जिनके पीछे लगा हुआ है एक HD माइक्रोफोन। तो दोनों में आपको जो है वॉइस कॉल में आपको जो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा। आपको वॉइस कॉल में आपको दोनों में से किसी भी ईयरफोन में कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। वहीं फ्रंट में इस कंट्रोलर के यहाँ पर दोनों में ही एक बटन दिया गया है जिसकी मदद से आप यहाँ पर जो है म्यूजिक्स को प्ले पॉज या फिर कॉल्स वगैरह को अटेंड या डिस्कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर इन दोनों बटन को करते हो लॉन्ग प्रेस तो यहाँ पर दोनों में ही आप जो है गूगल असिस्टेंट को भी इनेबल कर सकते हो। रियलमी में आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ दी गई है जो कि है केबल ऑर्गेनाइजर। तो यहाँ पर आप जो है केबल को टेंगल होने से बचा सकते हो और ये जो केबल है रियलमी की ये काफ़ी ज़्यादा टेंगल होती है तो इस वजह से हमें यहाँ पर जो है ये रियलमी की तरफ से ये केबल ऑर्गेनाइजर दिया गया है। वहीं रेडमी की जो केबल है दोस्तों वो इतनी ज़्यादा टेंगल नहीं होती तो इस वजह से वहाँ पर जो है हमें केबल ऑर्गेनाइजर नहीं दिया गया है। वहीं केबल की जो लेंथ दी गई है दोस्तों वो भी ऑलमोस्ट दोनों में ही यहाँ पर सेम दी गई है। थोड़ी सी हमें यहाँ पर जो है बड़ी केबल देखने के लिए मिल जाती है इस रियलमी बड्स क्लासिक में। तो यहाँ पर लेंथ में आपको जो है कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा दोनों ही ईयरफोन में। अब बात करते हैं दोनों की साउंड क्वालिटी की। तो रियलमी बड्स क्लासिक में आपको दिए गए हैं 14.2 mm के लार्ज डायनेमिक्स ड्राइवर, वहीं रेडमी ईयरफोन में दिए गए हैं 10 mm के डायनेमिक्स ड्राइवर्स। बट यहाँ पर जो दोनों की साउंड क्वालिटी है दोस्तों वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी दी गई है। हालांकि थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर जो है बेस में थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। आपको जो है यहाँ पर बड़े ड्राइवर्स दिए गए हैं रियलमी बड्स क्लासिक में तो यहाँ पर जो बेस है दोस्तों आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा बेटर सुनने को मिलता है। वहीं रेडमी के जो ईयरफोन है उसमें भी आपको जो है काफ़ी अच्छा बेस दिया गया है। हालांकि दोनों में ही जो है 19 बेस का आपको फ़र्क देखने के लिए मिलेगा बट इतना कुछ यहाँ पर खास फर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पर मतलब गौर से म्यूजिक्स को सुनोगे तो अब आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा बहुत फ़र्क देखने के लिए मिलेगा दोनों ही ईयरफोन में। बट यहाँ पर दोनों में जो साउंड क्वालिटी दी गई है वो यहाँ पर दोनों में ही काफ़ी अच्छी दी गई है और जो बड्स का साइज़ है दोस्तों वो भी जो है रियलमी बड्स का यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो ईयर में वो इतने अच्छे तरीके से फिट नहीं बैठते और वहीं रेडमी का जो साइज़ है दोस्तों वो यहाँ पर जो है काफ़ी स्मॉल दिया गया है और साथ ही आपको यहाँ पर जो है कुछ एयर टिप्स भी दिए गए हैं जो कि आप इसको अपने ईयर के हिसाब से इनको यहाँ पर लगा सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ दी गई है रेडमी के ईयरफोन में। तो यहाँ पर ये जो है कान में काफ़ी अच्छे तरीके से फिट भी बैठ जाते हैं। तो दोस्तों दोनों में जो साउंड क्वालिटी दी गई है वो यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी दी गई है। दोनों में आपको कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। हालांकि जितना भी मैंने इनको यूज़ किया है तो यहाँ पर जो है साउंड क्वालिटी मुझे दोनों में काफ़ी अच्छी लगी। हालांकि इनके बेस में जो है आपको थोड़ा सा फ़र्क देखने के लिए मिलेगा अगर आप यहाँ पर गौर से म्यूजिक्स को प्ले करोगे तो। तो दोस्तों यहाँ पर म्यूजिक्स के मामले में आपको जो है दोनों में कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। वहीं अगर मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो दोस्तों मैं यहां पर आपको सजेस्ट करूंगा इस रेडमी के ईयरफोन को, क्योंकि यहां पर जो बिल्ड क्वालिटी दी गई है दोस्तों वो यहां पर जो है थोड़ी बेटर दी गई है एज़ कम्पेयर टू रियलमी बड्स क्लासिक। यहां पर आपको मेटल दिया गया है, साथ ही आपको यहां पर एल शेप में 3.5 mm हेडफोन जैक दिया गया है। तो गेमिंग के टाइम पर आप जैसा चाहे इसे को एडजस्ट कर सकते हैं।
और साथ ही आपको जो है इनके यहाँ पर जो एयरफोन के जो एयर टिप्स हैं वो भी आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप जो है अपने ईयर के हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। बट ऐसा यहाँ पर जो है रियलमी में आपको नहीं मिलता। इनका जो साइज़ है वो भी यहाँ पर जो है बढ़ा दिया गया है, तो कान में इतने अच्छे आसानी से ये जो है फिट नहीं बैठते, और रियलमी का जो ये ईयरफोन है ये काफ़ी अच्छे तरीके से फिट बैठ जाते हैं कान में। बाकी दोस्तों मुझे जो है पर्सनली रेडमी ईयरफोन जो है यहाँ पर थोड़े बेटर लगे एज़ कम्पेयर टू रियलमी बड्स क्लासिक। बाकी ये जो है अपने अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है कि क्योंकि हर किसी को जो है एक जैसे डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी पसंद नहीं आते, तो ये टोटली जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों में से आपको जो है कौन से ईयरफोन यहाँ पर ज़्यादा बेटर लगे। बाकी दोस्तों मुझे भी जो है नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि दोनों ईयरफोन में से आपको यहाँ पर जो है कौन सा ज़्यादा बेटर लगा, बताना जरूर मुझे नीचे कमेंट्स करके। तो दोस्तों बस आज की फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम दोस्तों किसी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।